राम राम जी सारे ने, आपको ये तो पता है भाई हमारे बीच नीशु भाई नहीं रहे, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या था आइए जानते हैं। मैंने इस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, लेकिन कुछ बंदों को फिर भी समझ में नहीं आया, तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर खड़े हैं सारे के सारे, ये रहा 855। पहले आपको समझाता हूँ ये अर्जुन रो है, वैसे जोंडिया ट्रैक्टर पर भी यही हिसाब किताब है। जो ये चोरस एक्सल होता है ना, इस चोरस एक्सल पर ये दूर से दूर लंबे नट लगे होते हैं, और इन नटों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर चोरस ट्यूब पे लगा रहता है। और ये दूसरी तरफ खड़ा है हमारे पास स्वराज 855। इस स्वराज 855 में होती है ट्यूब के बीच में, एक मिनट, इन स्वराज 855 में होती है जो नट होते हैं वो उनकी चूड़ियां होती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, जो कि इतनी पक्की स्पोर्ट नहीं ले पाती। अब आप खुद देखिए, जब नीशु भाई ने स्वराज 855 में बड़े बड़े टायर डाले तो उसकी वजह से उन्हें मडगार्ड को ऊंचा करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने मडगार्ड के नीचे दो मोटी मोटी लोहे की फट्टियां रख दी, और इन लोहे की चादरों और यू पाइप की वजह से स्क्रू अच्छे से टाइट भी नहीं हो पाया। साथ ही उनके मडगार्ड में लगाए गए नट की चूड़ियां भी खराब हो रही थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो में जिक्र किया है। ये देखो कितनी चूड़ी बिल्कुल खराब हो रही इसकी। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या 2 महीने से ट्रैक्टर ऐसे ही चल रहा था। आइए मैं समझाता हूँ आपको कि ये हादसा 2 महीने तक कैसे टला रहा। देखिए 2 महीने तक नीशु ने कोई भी स्टंट नहीं किया, सिर्फ हल्का फुल्का ट्रैक्टरों के साथ टोचन लगाया, जिसके कारण यू पाइप पर बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ा और वो नाजुक नट बोल्ट्स भी बचे रहे। लेकिन जब 2 महीने बाद नीशु ने ट्रैक्टर को यमुना में जाकर खड़ा किया तो नाजुक नट बोल्ट्स पर वजन आ गया, जिसके कारण वे वजन सहन नहीं कर पाए और नट टूट गए, जिसके कारण नीशु के ऊपर ही ट्रैक्टर आ गिरा। और आप इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि ट्रैक्टर का मडगार्ड और ट्रैक्टर का यू पाइप दोनों ही ट्रैक्टर से अलग होकर गिर गए। और आप यकीन भी नहीं मानोगे कि जब नीशु ट्रैक्टर के नीचे दबो हुआ तो दूसरे ट्रैक्टर से उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन ट्रैक्टर इतना भारी था कि वो टस से मस भी नहीं हुआ। वापिस उठाकर तो जो इन्हें अटका था ना ट्रैक्टर जी, वो दस का नीचे पानी आ गया जी टायरों के, और टायरों के पानी आने के बाद नीचे वो पलटी मार गया ट्रैक्टर, इसकी गर्दन पे आ गया, गिर गया जी। उसी समय आप वहीं थे? वहीं थे। और कितनी भीड़ थी? चौकी भीड़ लगी थी जी वहाँ। पहले ट्रैक्टर से अभी खींचने की कोशिश करी, उस ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा वजन है, कम से कम वो 50 क्विंटल वजन तो ऊपर था। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी ट्रैक्टर से नहीं खींचा। बाद उसके एक से डेढ़ घंटे बाद जेसीबी आती है, और जेसीबी आकर ट्रैक्टर को सीधा करती है, जिसके बाद नीशु के शव को ले जाया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया कि जोंडियर में कितनी ज्यादा सेफ्टी थी, आप खुद ही देखिए। हाइट देखो कितनी इंक्रीज हुई, कितनी प्लेटें आई, दो तीन 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 अपनी प्लेटें होगी। जो अपने यहाँ प्लेट है ना, इसमें ना 2000 रुपया तो लोहा लोहा आया था हमारा, और 1000 रुपये उसने बनाई ली थी, 3000 रुपये किया और 4000 रुपये की यह प्लेट, और यह भी हमने बनवानी पड़ती है, लेकिन यह तो हमारा आरोपी ऐसे काम आ गया, यह बनवानी पड़ती है तो 2000 रुपये के आसपास हमारी यही बनती, तो कुल मिलाकर 3 और 4 7000 रुपये की तो हमारी ये होगी, और इसने मिला 10000 रुपये की, तो प्लेटें प्लेटें होगी खाली थे, ये प्लेटें प्लेटें, और 1 क्विंटल से ऊपर ऊपर वजन, 1 2 3 और तीनों साइड इन प्लेटें प्लेटें में 1 क्विंटल ऊपर ऊपर वजन हो गया है, देख लो 10000 रुपये प्लेटें प्लेटें आई है। मैंने अपने ट्रैक्टर बना भाई सेफ्टी खातर, देख लो स्पेशल यह चीज लगवाई मैंने, यह चीज लगवाना कोई मोटिव नहीं था, यह चीज टूट दी नहीं कंपनी तरफ से, 40-50 हज़ार रुपये का जुगाड़ आयु, 35-40 हज़ार रुपये का जुगाड़ आयु, और बाहर तो 5-6 हज़ार रुपये का भी आवा, लेकिन मैंने यह भी क्यों लगा रखा भाई, अपनी सेफ्टी की उस तरह भी मेरी सेफ्टी बनी रहो है, ठीक है। कभी अब पालेगा तो पता नहीं, अब मैं बिना आरोपीएस के या बिना लिफ्टों के किसी ट्रैक्टर पर स्टंट नहीं करता मैं, क्योंकि यार डर लगा यार कहीं ट्रैक्टर पलट जाए। सो तो कुल मिलाकर बात यह है भाई, बड़े दा बड़ा खिलाड़ी है ना, जो बड़े दा बड़ा खिलाड़ी है एक ना एक दिन भाई वो बीमार खावा है। और अगर आप भी मेरी तरह नीशु को दिल से पसंद करते थे तो कमेंट सेक्शन में RIP जरूर लिखना।